मैं अप्रोच चैनल का नाम है अप्रोच मास्टर क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत वीडियो लेकर आया हूँ कैसे एक फ्रंट प्लीट डिजाइनिंग टॉप कैसे कटिंग करते हैं। इसको आप तमिल में देखा होगा, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। नॉर्मल चूड़ीदार से थोड़ा सा अलग है। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मैं कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊँगा, आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह कटिंग का वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेगा। और आपका एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हेल्प मिलेगा। आप वीडियो को लाइक, कमेंट और किसी को अगर सीखने का होगा आप उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आइए मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छा तरीके से मैं दिखाऊँगा उसको, कटिंग फिर स्टिचिंग करके भी दिखाऊँगा। आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा और आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आइए मैं वीडियो दिखाते हैं। सकते हैं मैं जो दिखाऊंगा, ये जो ऊपर का जो ओरिजिनल पीस होगा वो ये कपड़ा होगा। इसको हम साइड में रखते हैं और इसका जो लाइनिंग होगा, लाइनिंग भी होगा उसमें। तो लाइनिंग को पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद ओरिजिनल को कट करेंगे। और इसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन का हिसाब से कैसे कट किया जाता है मैं आपको अच्छा से दिखाऊँगा। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा चैनल में ब्लाउज़ का, टॉप का बहुत सारा कटिंग है, आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। और मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, उधर से भी आप देख सकते हैं। तो इसका फ्रंट एंड बैक होगा तो देख सकते हैं, एक रख लिया और ये दोनों एक साथ डबल में फोल्डिंग करके रख लिया। तो इसको एक फ्रंट होगा और एक बैक होगा। तो मैं पहले आपको मेजरमेंट समझाता हूँ, आप अच्छा से देख लीजिएगा। उसका जो मेजरमेंट बोलता हूँ मैं, वो रेडी मेजरमेंट है। उसका जो लेंथ होगा 44 इंच, और उसका जो चेस्ट होगा 37 इंच, वेस्ट होगा 31 इंच, और उसमें बैक टैक भी होगा। उसका जो हिप है 42 इंच है, और आर्म राउंड जो है 16 इंच। ये क्योंकि ये स्लीवलेस होगा तो इसको स्लीव का मेजरमेंट ज़रूरत नहीं है। और इसका जो फ्रंट नेक का जो डीप होगा उसका होगा 7.5 इंच होगा, और बैक जो होगा, बैक नॉर्मली है, बैक का डीप होगा 5 इंच। और इसका जो शोल्डर है, शोल्डर होगा 14 इंच, उसको बैक में नेक डीप का हिसाब से हम कम या ज़्यादा करेंगे। तो देख सकते हैं, तो ये जो मेजरमेंट है, मैं मेजरमेंट आपको समझा दिया। इसके बाद इसका कटिंग करेंगे, देख सकते हैं। इसका नॉर्मल चूड़ीदार का जैसे ही कटिंग है, लेकिन इसको डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। देख सकते हैं इसका लंबाई 44 इंच होगा। तो इसी तरह मेजरमेंट टेप रखने के बाद आपका भी इसी तरह कटिंग करते हैं, तो आपका किस हिसाब से कितना लेंथ होता है, लेंथ का मेजरमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं ये हमने मार्क कर लिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा इसे मार्क कर लेंगे, सकते हैं इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। इसका शोल्डर है 14 इंच, और बैक का जो डिप होगा 5 इंच नॉर्मली है, तो उसमें जो 14 इंच शोल्डर है उसमें हम 1 इंच कम करेंगे, क्योंकि 5 इंच भी थोड़ा सा डिप होता है, तो डिप का हिसाब से नेक को कम किया जाता है। तो देख सकते हैं इसका जो नेक 14 इंच है, तो 1 इंच कम करेंगे तो 13 इंच, 13 का जो हाफ होगा 6.5, तो 6.5 उधर कर लिया। थोड़ा सा नीचे भी 6.5 में एक मार्क कर लेना है, और उसके बाद इसका जो मार्क है इसको सीधा कर लेना है। और उसके बाद नेक का जो डीप ब्रॉड होगा, देख सकते हैं नॉर्मली 7 इंच है, तो 7 इंच रखेंगे, तो 3.5 में एक मार्क कर लेंगे। और यहाँ से थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसको बैक नेक थोड़ा सा उतना डीप नहीं है, तो लगभग 1/2 इंच ऐसे एक मार्क कर लेंगे, और उसके बाद स्केल का मदद से ऐसे एक मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर का रेडी हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं इसका मैं एक मेजरमेंट आपको नहीं बोला, शोल्डर टू स्लिट। जब स्लिट टॉप होता है तो इसका भी एक मेजरमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंस है, तभी आप अच्छा फिटिंग दे सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका गलाई देंगे 7 इंच, और इसका जो शोल्डर टू स्लिट है वो 20 इंच है। तो इसी तरह शोल्डर का पास से रख कर 20 इंच में एक मार्क कर लेना है, और इसको सीधा कर लेना है। और इसका जो वेस्ट का मार्किंग करेंगे, नॉर्मली 13.5 में एक मार्क कर लेंगे, और इसको भी सीधा मार्क कर लेंगे। आप चाहें तो इसको, ये वेस्ट का मेजरमेंट इधर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमका टक का मेजरमेंट के लिए ये ज़रूरत होगा। तो इसका देख सकते हैं 37 इंच इसका जो चेस्ट रेडी है, तो 37 इंच में हम मार्क करेंगे। 37 का जब हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो 9.2 सूत आएगा, तो 2 सूत में एक मार्क कर लेंगे। और इसका जो वेस्ट मेजरमेंट है, इसी में एक अच्छा है, मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं इसका जो हिप का मेजरमेंट है 42 इंच है, तो 42 का जब हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो देख सकते हैं 10.5 में आएगा, तो 10.5 में कर लिया।
इसका जो वेस्ट है थोड़ा सा सेप ज़्यादा है, इसीलिए 31 इंच है इसका मेजरमेंट। तो देख सकते हैं 31 इंच को हम जब डिवाइडेड 4 करेंगे तो हमारा आएगा 7.5 में, तो 7.5 में एक मार्क कर लेंगे। और इसका जो बैक में टक होगा, देख सकते हैं टक दो तरह का होता है, कि किसी तरह कटिंग कर सकते हैं उसका बैक फ्रंट ऐसी इस मेजरमेंट में कट होगा, और बैक जो होगा बैक में टक के लिए हम मार्जिन रख लेंगे। और एक मेजरमेंट होता है कि ये जो उसका जो वेस्ट है देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ज़्यादा शेप है, इसको ज़्यादा शेप में कटिंग करने से क्या होगा कि ये जब वेस्ट होगा, वेस्ट का इधर इधर इस भाग में जब पहनेगा तो इधर थोड़ा सा फोल्डिंग आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा शेप कम करने के लिए इसको देख सकते हैं 31 इंच रेडी होगा स्टिचिंग के बाद, लेकिन स्टक के लिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करेंगे। ये मार्क करने से क्या होगा कि इसका वेस्ट का इधर फिटिंग भी आएगा और बैक में टैक भी आ जाएगा, तो उसको फिनिशिंग बहुत अच्छा से आएगा और साइड में कोई भी फोल्डिंग या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देख सकते हैं ऐसे मार्क कर लेंगे, और स्केल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ऐसे मार्क करने से क्या होता है इधर एक अच्छा सा शेप बन जाता है। तो ये शेप कटिंग करते समय आपको सभी टाइम ध्यान में रखना चाहिए। अब जब इसीलिए मैं कटिंग आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसको आप सब्सक्राइब कर लिया तो आपको कटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 42 इंच है तो 10.5 है, और यहाँ पे स्लिट के लिए मार्क करेंगे तो इधर थोड़ा सा नीचे है, आप देख सकते हैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो 11 इंच में मार्क करेंगे। नॉर्मली 1/2 इंच डबल में जब 1/2 इंच रखेंगे तो टोटली 2 इंच एक्स्ट्रा आएगा, आपको हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं स्केल से हम इसको ऐसे सीधा कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं नीचे में भी आप जब कटिंग करते हैं तो इसी तरह सीधा कभी भी नहीं मत कीजिएगा, इसी तरह स्केल रखकर थोड़ा सा ऐसे शेप डाल लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि पहनने के बाद नीचे जो होगा वो बहुत ही स्ट्रेट होगा। तो देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं इसका जो आर्म राउंड है 16.5, तो हम मेजरमेंट से ऐसे मेजरमेंट कर लेंगे, 8.25 में आना है। तो देख सकते हैं इसका हिसाब से हम ऐसे शेप डाल लेंगे और इसको मेजरमेंट कर लेंगे, इसका 8.25 आया या नहीं। तो देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा सा ऐसे कम कर लेंगे, और देख सकते हैं इसको मेजरमेंट करने के बाद हमारा 8.25 आ चुका है। और उसके बाद देख सकते हैं ये हमारा पूरा कटिंग रेडी हो चुका है, लेकिन इसका बैक में टक डालना है। टक के लिए देख सकते हैं मेरा चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो में डाला है, उसको जाके आप ओनली टक का वीडियो है, आप देख सकते हैं टक कैसे डाला जाता है। तो देख सकते हैं इसका जो टक डालेंगे, टक का चौड़ाई इसका नॉर्मली जो मेजरमेंट होता है 36, 37, 38, 40 तक आप 3.5 रख सकते हैं। 3.5 मतलब उसका जो होगा 7 इंच होगा, तो इसको 37 है तो इसी तरह 3.5 में एक मार्क कर लेंगे, और उसके बाद ये जो मार्क होगा इसको सीधा कर लेना है। और उसके बाद देख सकते हैं मैं आपको अच्छा से समझाऊंगा, ये जब टक डालते हैं ये जो वेस्ट का भाग है करेक्ट वेस्ट का भाग में आना है, थोड़ा सा नीचे भी नहीं आना है और ऊपर में भी नहीं जाना है। तो देख सकते हैं लगभग अपर चेस्ट जो है उसका नीचे चेस्ट का पास से और इधर थोड़ा सा भी नीचे हम एक करेंगे, तो इसका जो लेंथ करेंगे तो 8.5 इंच रखेंगे। इसका भी एक मेजरमेंट होता है, आप नॉर्मली 9 इंच, 8.5 आपका शोल्डर, ये शोल्डर स्लिट और उसका वेस्ट का मेजरमेंट से स्टक का लेंथ रखा जाता है। आप देखा होगा कोई 9 इंच भी रख सकते हैं, तो उसका मेजरमेंट का हिसाब से इसका जो रखेंगे 8.5, तो मार्क कर लिया। और उसके बाद देख सकते हैं टक का जो चौड़ाई करेंगे हम, उसमें जो स्टिचिंग डालेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच लिया तो उस दोनों साइड में 1/2 इंच करेंगे। और उसके बाद देख सकते हैं इसको ऐसे स्केल से ऐसे डाल लेंगे और इधर भी एक मार्क कर लेंगे, और दोनों साइड इसी तरह से हमको मार्क कर लेना है। तो देख सकते हैं ये हमारा टक का भी मेजरमेंट रेडी हो चुका है। उसके बाद हमको इसको ये जो मार्कर है, मार्कर का मदद से हम इसको मार्क कर लेंगे और इसके बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे। इधर भी मार्क कर लेंगे क्योंकि दोनों साइड में हमको आने के लिए एक साइड में चौक का मार्क होगा, लेकिन ऐसे मार्क कर लिया तो दोनों साइड में मार्क आएगा। तो देख सकते हैं ये हमारा मार्क रेडी हो चुका है, इसके बाद हम कट करेंगे।
नॉर्मली आप जब कटिंग करते हैं तो शोल्डर का इधर हाफ इंच मार्जिन रखना रखा जाता है, और आर्म राउंड का इधर भी हाफ इंच का एक मार्किंग मार्जिन रखा जाता है, और साइड में आप लगभग 1.25 इंच से 1.5 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन आप 1 इंच ही रखिएगा, क्योंकि ऐसे रखने से क्या होता है कि साइड में कोई भी फोल्डिंग नहीं आता है, आप उसमें लूज टाइट भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देख सकते हैं ये हमारा कटिंग रेडी हो चुका है, और ये नीचे जो हमने मार्क कर लिया तो ये इसको भी ऐसे शेप से कटिंग कर लेना है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा तरीका है, मैं जिस तरह से आपको दिखाया आप इसी तरह कटिंग कीजिएगा तो आपको भी बहुत अच्छा से आप कटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट का मार्किंग रेडी हो चुका है, ये कटिंग रेडी हो चुका है। इसके बाद इसका जो नेक जो है नेक का मार्किंग करेंगे, और उसके बाद इसका जो ओरिजिनल पीस कैसे कटिंग किया जाता है मैं अच्छा से आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं इसका फ्रंट भाग जो है, फ्रंट भाग थोड़ा सा इसे 1/2 इंच से 1/4 इंच तक ऐसे कटिंग किया करते हैं, तो ये कटिंग कर लिया। और उसके बाद इसका जो नेक का जो मेजरमेंट होगा देख सकते हैं 7.5 है, और इसका जो नेक का जो डीप है डीप भी 7.5 है, और इसका वी नेक है तो इसका हिसाब से हम जितना डीप है तो डीप का मार्क कर लेंगे 7.5, और उसके बाद इसी तरह एक शेप डाल सकते हैं। आप चाहें तो किसी स्केल को भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको दोनों साइड में आने के लिए ऐसे मार्क कर लेंगे तो दोनों साइड में मार्क हमारा आ जाएगा। तो ये फ्रंट रेडी हो चुका है, और ये बैक होगा। बैक के लिए नॉर्मली जितना हमने 5 इंच होगा नॉर्मली, तो इसी तरह हम मेजरमेंट करते हैं तो ऐसे रख लेंगे, और उसको भी ऐसे शेप डाल लेना है। तो देख सकते हैं इसका नेक के भी मार्किंग करना कितना आसान है, आप भी इसी तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी इसी तरह शेप मिलेगा। तो ये हमारा कटिंग रेडी हो चुका है। इसके बाद इसका जो ओरिजिनल पीस है वो मैं कट करके दिखाऊँगा। तो देख सकते हैं इसका ओरिजिनल पीस कटिंग करते समय देखिएगा, इसमें जो डिजाइन देखते हैं इसको स्ट्रेट डिजाइन है, इसको आप जब कटिंग करते हैं तो इसको स्ट्रेट में ही रखिएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन किसी का डिमांड अलग है तो उसका हिसाब से भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इसका फ्रंट में डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन को बाद में कटिंग करेंगे, लेकिन उसका पहले इसका बैक को कटिंग कर लेंगे। और इसका जो लंबाई होगा 44 इंच था, लेकिन इसका जो कपड़ा का जो चौड़ाई है उतना नहीं है, तो देख सकते हैं 44 इंच हमारा लाइनिंग रेडी है। तो इसको बाद में हम जब नीचे फोल्डिंग करेंगे उसमें इसी तरह ओरिजिनल पीस से हम थोड़ा सा फोल्डिंग कर लेंगे तो ये लेंथ भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं इसी तरह कटिंग किया जाता है। इसका ओरिजिनल पीस को हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि इसको स्टिचिंग करने का बाद इसका जो साइड में जो एक्स्ट्रा होगा उसी टाइम इसका साइड से कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा बैक का रेडी हो चुका है। इसके बाद इसका जो फ्रंट है, फ्रंट भाग मैं आपको अच्छा से दिखाऊंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो देख सकते हैं इसका फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए, इसको कटिंग करने के लिए उसका भी मुश्किल नहीं है, मैं जिस तरह से दिखाऊंगा आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसको जिस तरह से हम कटिंग करते हैं नॉर्मली, हम नॉर्मली जब कटिंग करते हैं तो हम ऐसे रखकर कटिंग करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमको इसको हटाना है, थोड़ा सा हट के करना है, थोड़ा सा इधर हटाएंगे, और उसके बाद देख सकते हैं इसका जो फोल्डिंग के लिए फ्रंट में एक फोल्डिंग है, तो देख सकते हैं इसका फोल्डिंग के लिए हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो देख सकते हैं उसी तरह हमको मार्किंग कर लेना है 1.25 इंच पूरा नीचे तक, और उसके बाद इसका जो स्केल है स्केल से हमको ऐसे सीधा कर लेना है, क्योंकि फ्रंट में जब बॉक्स स्प्लिट है इसका, तो उस बॉक्स स्प्लिट के लिए थोड़ा सा हम मार्जिन रख लेंगे, और उसके बाद ये जो मार्जिन है मार्जिन का पास ही हमको इसको रख लेना है। और उसके बाद देख सकते हैं हमको दोनों साइड में मार्क अच्छा से मालूम करने के लिए पता चलेगा, तो इसलिए हम इस जो रेसमिल है रेसमिल से हम इसे मार्क कर लेना है। तो देख सकते हैं ये हमारा मार्क रेडी हो चुका है, और उसके बाद ये जो साइड होगा इस साइड को हम कट कर लेंगे। और इसके बाद देख सकते हैं मैं आपको अच्छा से दिखाऊँगा इसको कैसे कटिंग तो हमने कर लिया, इसको कैसे स्टिचिंग करते हैं मैं वो आपको मशीन में जाकर अच्छा से दिखाऊंगा, आप ज़रूर पूरा देखिएगा, और आप कमेंट करके बोलिएगा आपको इसका कटिंग कैसा लगा, और आप भी इसी तरह कटिंग कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा, आपको भी कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं ये हमारा कटिंग रेडी हो चुका है, इसके बाद मैं आपको मशीन में जाकर सिलाई करके दिखाऊँगा।
तो बैक नेक का फिनिशिंग और भी अच्छा होने के लिए इसका जो साइड है, साइड में ऐसे एंड में स्टिचिंग डालेंगे। अब देख सकते हैं इसका फ्रंट भाग कैसे अच्छा से स्टिचिंग कर सकते हैं। इसको हमने पहले थोड़ा सा मार्जिन रख लिया था, लेकिन दोबारा इसको अच्छा से कटिंग कर लिया इसीलिए, क्योंकि देख सकते हैं ये जो मार्किंग है, इसको हमको मार्किंग का इधर से कहाँ तक हमारा नेक आता है, करेक्ट नेक का इधर तक हमको सीधा स्टिचिंग कर लेना है। इसको अच्छा से आपको दिखाऊंगा, आप ज़रूर पूरा देखिएगा, तो आपको भी इसी तरह डिसेंट स्टिचिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम थोड़ा सा स्टिचिंग कर लिया, उसके बाद देख सकते हैं ये जो होगा ये हमारा अंदर में रहेगा और ये बैक में होगा। आइए मैं प्रेस में चलते हैं, उसमें जाके अच्छा से प्रेस करके आने का बाद मैं आपको अच्छा से इसका स्टिचिंग दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं हमारा फ्रंट में इसी तरह का एक डिज़ाइन आएगा, लेकिन ये जो कपड़ा है इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है। इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये डिज़ाइन जो है, ये जो झिलझिल है, ये जो चमक है वो निकल जाएगा, इसलिए इसको हम पलटी कर लेंगे, इसको बैक साइड में रखेंगे और इसको जैसे आप बॉक्स प्रिंट डालते हैं उसी तरह से हमको एक बॉक्स प्रिंट का जैसा अच्छा से आयन कर लेना है। तो देख सकते हैं इसको अच्छा से रख लूँगा, तो देख सकते हैं इसका जो बॉक्स प्लीट होगा, बॉक्स प्लीट इसको कपड़ा का थोड़ा सा इसका डिज़ाइन का वजह से ऐसा हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं इसका जब बॉक्स प्लीट हम डालेंगे तो इसका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन बहुत ही प्रॉपर जो डिज़ाइन है उसी तरह से आएगा। तो देख सकते हैं ये हमने आयरन कर लिया, इसको जब रखेंगे तो इसी तरह आएगा, आप देख सकते हैं। तो इसको अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे और उसका नेक डालेंगे, फिर आपको पूरा दिखाएंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा लाइनिंग है और ये हमने जहाँ तक हमारा नेक होगा करेक्ट वहाँ तक हमको स्टिचिंग कर लेना था। तो देख सकते हैं ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है, इसको हमको ओनली अटैच कर लेना है लाइनिंग के साथ। हमने इसीलिए इसका बराबर से कटिंग कर लिया, इसमें होगा तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए मैं पूरा वीडियो आपको देखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आप पूरा देखिएगा तो आपको थोड़ा सा भी अच्छा से नॉलेज मिलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा आपको दिखा के भी वीडियो ऐसा नहीं करना है। मैं जो वीडियो करते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से मैं आपको डिटेल्स में समझाते हैं और दिखाते भी हैं। तो ये हमारा जो नेक का जो जॉइंट होगा वो पूरा सेंटर में है और नेक स्टिचिंग कटिंग करने के पहले इसमें एक स्टिच डालेंगे और इसको स्टिचिंग करते समय इसको जो सेंटर है करेक्ट सेंटर में है या नहीं वो तो हमको सेंटर में है कि नहीं वो देख लेना है अच्छा से। और उसके बाद इसको देख सकते हैं हम इसीलिए मार्कर से मार्क करते हैं क्योंकि दोनों साइड में आने के लिए। तो ये हमारा जो नेक होगा देख सकते हैं वो पूरा रेडी है और ये पूरा कॉर्नर में आ चुका है और उसके बाद इसका नेक को कटिंग करेंगे और इसको पलटी करके आपको अच्छा से दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं नेक जब आप कटिंग करते हैं इसको सिंगलली आप मत कीजिएगा, इसी तरह डबल ऐसे रख कर आप कटिंग कीजिएगा तो इसका जो गला होगा वो बहुत ही शानदार आएगा और किधर छोटा एक साइड में छोटा एक साइड में बड़ा ऐसा कुछ नहीं आएगा। आप जब भी कटिंग कीजिएगा तो उसको डबल में रख कर कटिंग कीजिएगा। तो देख सकते हैं ये हमारा कटिंग हो चुका है और इसको इसका जो कैनवास है कैनवास को रख कर हमको पलटी कर लेना है। जैसे हमने मार्जिन रखा है कैनवास में उसी तरह से हमको नेक में भी मार्जिन रख लेना है। और जब आप भी नेक स्टिचिंग करते हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे एक खींचाव जैसा थोड़ा सा रख लेना है, क्योंकि नहीं तो भी नेक आप कभी भी स्टिचिंग करते समय नॉर्मली रखकर नहीं स्टिचिंग कीजिए, इसमें क्या होगा पहनने का बाद थोड़ा सा भी वो नेक फिनिशिंग नहीं आएगा, उधर थोड़ा सा फोल्डिंग आएगा, इसलिए थोड़ा सा इसे टाइट में रखकर हमको स्टिचिंग करना है, स्पेशली भी नेक में। आप सभी नेक में थोड़ा सा एक टाइटनेस रखना है, क्योंकि नहीं तो वो नेक जो होगा वो थोड़ा सा लूज आएगा। और उसके बाद थोड़ा सा हम मार्जिन रखने के बाद इसको कटिंग भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप इसी तरह एक चटका भी लगा सकते हैं, उसका जो सेंटर है सेंटर में भी एक चटका लगाएंगे। और उसके बाद तो इसको थोड़ा सा इसे इसका जो कैनवास है कैनवास में एक स्टिचिंग डाल लेंगे, इस
इसमें क्या होता है कि जब नेक जब पलटी करते हैं और नेक का जो स्टिफनेस होता है वो भी बहुत अच्छी तरह से आता है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मैं आपको दिखाया। आप ज़रूर इसी तरह स्टिचिंग कीजिएगा और आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देख सकते हैं ये हमारा डिज़ाइन का कपड़ा है। इसको शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। और इसको ऐसे फोल्ड करें। तो देख सकते हैं ये जब हम परफेक्टली इसी तरह पूरा देखने के लिए बोलते हैं, देखिए किधर भी छोटा या बड़ा किधर भी कुछ नहीं होगा। आप जब कटिंग करते हैं तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए कटिंग करना है, सभी तरह से अच्छा से मार्किंग करना है और उसके बाद ही कटिंग करना है। तो देख सकते हैं ये हमारा हो गया। उसके बाद इसका जो आर्म राउंड है इधर क्रॉस जो पट्टी होता है वो डालेंगे और उसके बाद इसका साइड अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसका जो साइड में जो क्रॉस पट्टी हमने डाल लिया वो कितना अच्छा से फिनिशिंग से आ गया। तो देख सकते हैं एक साइड रेडी और दोनों साइड में दूसरा साइड अभी करूँगा। तो देख सकते हैं ये जो हमारा डिज़ाइन है वो पूरा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसको अच्छा सा आया, आप अच्छा से पूरा देखा होगा। इसके बाद इसका हमको कुछ नहीं करना है, इसका साइड में स्टिचिंग करना है और स्लिट को हेमिंग करना है। तो इसी के साथ साथ देख सकते हैं ये जो बढ़िया वीडियो था, इसी तरह डिज़ाइन कैसे आप कर सकते हैं मैं आपको अच्छा से और डिटेल से मैं समझाया। आप देख सकते हैं इसी के साथ साथ हमारा स्टिचिंग भी कंप्लीट हो चुका है, ये जो टॉप है वो भी रेडी हो चुका है। आप भी इसी तरह ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह इंपॉर्टेंट डिज़ाइन वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेगा। आप ज़रूर चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आगे आपके लिए ज़रूर नया वीडियो मैं अच्छा से लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो का यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए कुछ नया कुछ लेके ज़रूर आएंगे। आप ज़रूर अच्छा रहिएगा, सुस्त रहिएगा।